आप उनके भाई हैं? मैं प्रमित का बड़ा भाई विनीत। जी, तो क्या करते थे वो, पढ़ाई में क्या कर रहे थे? और सुमित इंजीनियर? ग्रेजुएशन कर रहा था और नोएडा में रहकर 4 साल से वहीं पे अपने एनडीए के लिए तैयारी कर रहा था। उन्होंने कंपटीशन के भी एग्ज़ाम दिए थे, एयरफोर्स का दिया था एक बार, एनडीए का भी दिया था, और दोबारा एनडीए की तैयारी कर रहा था और ग्रेजुएशन कर रहा था, सेकंड ईयर में था। बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो जिस तरह से घटना हुई और अभी, इस पे आपका क्या मतलब मत है? अभी आप क्या चाहते हैं, क्या हुआ इसमें अब तक प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, आपकी आर्थिक मदद कराएंगे, परंतु अभी तक केवल आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। तो आप चाहते क्या हैं इसमें, और क्या होना चाहिए अभी? हम न्याय चाहते हैं, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले, जो मेरे बेटे के नाम FIR हुई है वो मेरे बेटे का नाम निकाला जाए, मेरे परिवार को समथिंग सुबोध कुमार इंस्पेक्टर के बराबर, जो उसके बेटे को नौकरी मिले वही मेरे बेटे को मिले, और जो उसको आर्थिक मदद मिली है वही मेरे परिवार को भी मिले। गांव के प्रधान हमारे साथ हैं और हम इनसे भी जानेंगे, बात करेंगे। प्रधान जी, जिस तरह से पूरा वाकया हुआ उस तरह से हम देख रहे हैं गांव भी सुनसान है ना, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं या तो या महिलाएं दिख रही हैं गांव में, बुजुर्ग हैं, रुग्ण जो बिल्कुल एकदम हैं। तो ये जो पूरा इस प्रकरण पे आपका क्या कहना है? 10 किलोमीटर दूर से पब्लिक कैसे आई यहाँ पर, और जब हमारे गांव पे ये केस हुआ, पब्लिक आने जाने वाली भी, गांव वाले भी, उसमें सब मिक्स हो गए और हमारे गांव पे बलवा हो गया और हमारे गांव का नुकसान हुआ सब में ज़्यादा। हमारा एक भाई ख़त्म हो गया और कितने इसमें शिकार होंगे अभी पता नहीं है। तो फिलहाल जो चिंगरावटी गांव में अभी भी तनाव का माहौल है और एक खौफ का माहौल है, यहाँ युवा गांव में देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं बुजुर्ग और बच्चे या महिलाएं ही नजर आती हैं। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।